अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 से 3 साल तक की बच्ची के लिए ये ड्रेस, जो कि अफ़गानी सलवार और फ्रॉक है। अफ़गानी सलवार का कटिंग स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जो कि 2 से 3 साल तक की बच्ची को एकदम परफेक्ट आएगा। और आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आ जाए कि हाँ अच्छे से बताई हुई हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। इस तरह से देखिए, फ्रॉक में ये बाजू में बनाई हुई हूँ। चलिए सीखते हैं पहले अफ़गानी सलवार का कटिंग। यहाँ देखिए, मैं 4 तरह कपड़ा को इस तरह से बिछाई हुई थी, पर इसको मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि ये 2 तरह कपड़ा 34 इंची लंबा है, 2 फोल्ड कपड़ा 34 इंची लंबा है, जिसको फिर 4 फोल्ड करते हैं तो ये 17 इंची पे यहाँ पे तह लगता है। यहाँ देखिए, ये 34 इंची लंबा है, 2 फोल्ड कपड़ा है। देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे और 4 फोल्ड करके मैं आपके सामने बिछा रही हूँ। इस तरीके से देखिए अच्छे से बिछा लें, अंदर की तरफ भी कहीं पे भी कपड़े का सिलवट ना पड़े। ये 4 फोल्ड कपड़ा हो गया। चलिए इसकी लंबाई देखते हैं। 4 फोल्ड कपड़ा का लंबाई चौड़ाई तो देख लिए कि 17 इंची पे ये 4 फोल्ड हुआ है, और लंबाई 14 इंची रखे हैं। 14 इंची इसलिए रखे हैं कि 2 इंची नीचे उसका पोंचा बनेगा, तो 1 इंची तो मार्जिन में चला जाएगा, हाफ इंची ऊपर हाफ इंची नीचे, तो 13 इंची बचेगा बीच का, और 2 इंच नीचे पोंचा के लिए, तो 13, 14, 15 इंच पे ये तैयार होगा, और 4 इंची बेल्ट लगेगा, तो ये 19 इंची पे सलवार तैयार पूरा आ जाएगा बच्ची को। इस तरीके से देखिए, क्रॉच एरिया ले लेंगे 5 इंची लेंगे और इसको इस तरीके से लगा लेंगे, और नीचे पोंचा के तरफ लेंगे 15 इंची। इस तरीके से देखिए, पोंचा के तरफ नीचे से 15 इंची लेते हैं और इस तरीके से यहाँ से निशान लगा देते हैं। बस हो गया, अब कटिंग कर लेते हैं इसका। इसको खोलकर एक पल्ले को हटा लेते हैं और एक पल्ले को इस तरह से बिछा लेंगे। देखिए बीच में जो खुटका का निशान लगाए थे, वहाँ से चुनट बनाना स्टार्ट कर देंगे, और एक साइड इस तरफ घुमाकर चुनट बनाएंगे और एक साइड उस तरफ चुनट घुमा के बनाएंगे। देखिए आप वीडियो में आराम आराम से इस तरीके से नीचे भी इसी तरह और ऊपर भी इसी तरह बनाएंगे। इस तरह से देखिए, बीच से जहाँ पर से खुटका का निशान लगाए थे, वहाँ से पार्टीशन करके दोनों तरफ चुनट को घुमाकर बनाएंगे। इस तरीके से बना लिए, अब ऊपर पल्ला ज्वाइंट कर देंगे कमर। इस तरीके से ऊपर कमर ज्वाइंट कर देंगे एक पल्ले का, एक पल्ला में, और नीचे पोंचा ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से देखें, दोनों पल्ला में इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। देखें मैं ज्वाइंट कर ली हूँ, यहाँ देखिए इस तरीके से एक पाँव को तैयार कर लेना है और दूसरे पाँव को भी इसी तरीके से तैयार करना है। आयरन कर देंगे तो ये चुनट एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। अभी इस तरह से फलका फलका सा है, ये देखिए। इस तरीके से एकदम आसान तरीके से मैं आपको सिलना बता रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे, अच्छे से समझ में आ जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोनों पल्ले को इसी तरीके से तैयार करने के बाद क्रॉच एरिया को ज्वाइंट करेंगे, दोनों तरफ से क्रॉच एरिया पे सिलाई करेंगे। हाँ, एक सिलाई नहीं करना है, 2 सिलाई मारना है क्रॉच एरिया पे, दोनों तरफ 2-2 बार सिलाई मारना है। 2 सिलाई मारने से अच्छे से मजबूत हो जाती है सिलाई, बाद में सिलाई नहीं टूटती है। देखिए मैं दोनों तरफ क्रॉच एरिया पर सिलाई कर दी हूँ। अब इस तरीके से खोलेंगे तो ये दोनों पाँव तैयार हो गया है। अब यहाँ से देखिए अच्छे से धागे को, जो भी धागा निकला हुआ है उसको अच्छे से साफ कर लेना है, और दोनों पोंचे को पकड़ के कपड़े को मिला लेना है, और इस तरीके से दोनों एक साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरे साइड सिलाई ख़त्म कर देंगे, और इस पे भी 2 सिलाई करेंगे।
देखिए दोस्तों, देखिए सलवार बनकर तैयार हो गया। अब ऊपर में कमर में इलास्टिक लगाएंगे बच्चे के कमर में। अभी इलास्टिक नहीं था मेरे पास, मार्केट से लाकर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इलास्टिक लगाना स्किप कर दी हूँ। और देखिए अब कटिंग करते हैं फ्रॉक का। देखिए फ्रॉक का पहले बॉडी कटिंग करेंगे, ऊपर का चोली। चोली का कपड़ा इस तरीके से लेंगे, दो चार फोल्ड कपड़ा है चोली के कपड़े के लिए, चार फोल्ड कपड़ा है। फोल्ड किया हुआ ज्वाइंट किया हुआ कपड़ा अपने तरफ रखिए और खुला हुआ कपड़ा दूसरे साइड रखिए। और इस तरीके से देखिए मेजरमेंट देख लीजिए, 2 से 3 साल तक की बच्ची का बॉडी मेजरमेंट देख लीजिए। कांधी 4.5 इंची लीजिए और आर्म होल 4 इंची लीजिए। देखिए और बॉडी में 6 इंची फिटिंग है, बॉडी का 6 इंची फिटिंग ले लेंगे, 1.5 इंची मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से देखिए। और कमर पे तो 5.5 इंची फिटिंग था, लेकिन यहाँ पर भी 6 इंची लेंगे। और इस तरीके से क्योंकि कॉटन का कपड़ा है थोड़ा ढीला ही चलेगा, और 1.5 इंची मार्जिन नीचे से भी ले लेंगे। और इस तरह से आर्म होल पे गोले का निशान लगा देंगे। चलिए अब हम कटिंग करते हैं। चोली का लंबाई देख लीजिए, 10 इंची लंबाई रखी हूँ चोली में। इस तरीके से आप चलिए कटिंग करते हैं इसका। और ये कपड़ा बॉटम का है, फ्रॉक के बॉटम का नीचे से घेर। देखिए इस कपड़े का लंबाई 17 × 34 इंची लंबाई है, 2 फोल्ड में, एक फोल्ड आगे के पल्ले में ज्वाइंट होगा एक पल्ला, और दूसरा पल्ला चुनट बन के पीछे के पल्ले में ज्वाइंट होगा। देखिए इसकी लंबाई 11 इंची लिए हैं, 1 इंची नीचे से फोल्ड हो जाएगा और 0.5 इंची ऊपर चला जाएगा, तो ये 9.5 इंची पे नीचे का घेर तैयार हो जाएगा इस तरीके से। देखिए